मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 44, दैट इज डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। देखो एनिमल्स के पास क्या होता है, अलग अलग तरह के क्या होते हैं, रक्षा तंत्र होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। डिफेंस हेल्प्स एनिमल्स स्टे अलाइव बाय प्रोटेक्टिंग देम। देखो जो ये रक्षा तंत्र होते हैं वो एनिमल्स की हेल्प करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिससे वो क्या रहते हैं, जीवित रह सकते हैं। इफ़ एनिमल्स डिड नॉट हैव डिफेंस सिस्टम, अगर एनिमल्स के पास डिफेंस सिस्टम ना होता, दे वुड ईजली फॉल प्रे टू देयर एनिमीज, तो वो बिल्कुल आसानी से अपने जो दुश्मन है, उनके जो दुश्मन होते हैं, दूसरे एनिमल्स होते हैं, वो आसानी से उनका शिकार कर लेते, तो उनको अपनी जान गंवानी पड़ती। तभी एनिमल्स के पास क्या होते हैं, डिफेंस सिस्टम होते हैं, ताकि वो अपने आप को बचा सके और जीवित रह सके। मेंशन बिलो आर सम ऑफ द एनिमल्स, यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स गिवन है विद देयर डिफेंस मैकेनिज्म, उनके पास उनके डिफेंस मैकेनिज्म भी है। आइडेंटिफाई द एनिमल्स, आपने उन एनिमल्स को क्या करना है, पहचानना है। ओके, फर्स्ट वन जो है हमारा, दे हैव अ थिक स्किन फॉर्म्ड बाय बोनी प्लेट्स। देखो ये जो एनिमल है, इसकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा थिक है। ये किससे बनी हुई है, बोनी प्लेट्स से बनी हुई है। दे हैव अ स्ट्रोंग टेल, इसकी जो टेल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है। डैट कैन वेक एनिमीज, जो क्या करते हैं, जो उसके एनिमीज होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, उसको जोर से चोट मार देती है। कौन मार देती है, इस एनिमल की स्ट्रोंग टेल। तो इस एनिमल का नेम क्या है, एलिगेटर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज दे हैंग अपसाइड डाउन इन केस अ प्रीडेटर कम्स अलोंग एंड देन गेट ऑफ ईजली। देखो ये जो एनिमल है, अगर इसका शिकारी जो दूसरा एनिमल है इसके पास आ जाता है, ये या तो जल्दी से नीचे की ओर आ जाते हैं या तो ये उल्टे लटक जाते हैं। दे स्टे इन द डार्क, और ये अंधेरे में ही रहना पसंद करते हैं। सो द एनिमीज वोंट सी देम, ताकि जो उनके एनिमीज हैं, उनके दुश्मन हैं, वो उनको देख ही ना सके। तो इसका नेम क्या है, बैट्स। ओके, नेक्स्ट वन, दिस बर्ड कैन मर्ज विथ इट्स सराउंडिंग बाय चेंजिंग इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सीज़न। देखो ये जो बर्ड है, ये अपने आप को मर्ज कर लेता है अपनी जो इसके आसपास सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग, बाय चेंजिंग इट्स कलर, अपने कलर को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द सीज़न, सीज़न के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन समर्स इट्स फैदर मैच द कलर ऑफ ग्रास। देखो समर में ये क्या करता है, अपने पंखों के रंग को बदल कर कैसे कर लेता है, ग्रास की तरह कर लेता है, मीन्स कि ग्रीन कर लेता है। एंड इन विंटर, और विंटर में क्या करता है, दे बिकम वाइट, वाइट बन जाता है टू मैच द स्नो, मीन्स कि यही वाली बात हुई फर्स्ट लाइन वाली, कि ये अपने चारों ओर की सराउंडिंग को देखता है तो ये अपने कलर को चेंज कर देता है। तो ये सीज़न के अकॉर्डिंग भी इसमें बदलाव आते हैं। समर आती है तो ये अपने फीदर का कलर कैसा कर लेते हैं, ग्रास की तरह कर लेते हैं, मीन्स कि अपने सराउंडिंग की तरह इसने अपने कलर को कर दिया। और जब विंटर आते हैं, विंटर आती है, सर्दियाँ आ जाती है, तो ये क्या करती है, विंटर में हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो ये अपने फैदर कैसे कर लेते हैं, स्नो की तरह कर लेते हैं। इसका आंसर क्या है, टार्मिगन। ओके, नेक्स्ट वन इज एज डेंजर अप्रोच, जब खतरा होता है, दिस पीस लविंग एनिमल। देखो ये बिल्कुल पीस लविंग एनिमल है, बिल्कुल शांत रहता है ये एनिमल। पुल्स इट्स हेड एंड लेग्स इन टू इट्स शेल। देखो जब खतरे का संकेत होता है, इन पे खतरा आने वाला होता है, तो ये एनिमल क्या कर लेता है, अपने हेड को और अपनी लेग को अपनी शेल में क्या कर लेता है, पुल कर लेता है, और अपने आप को क्या कर लेता है, सेफ एंड फील सेफ, और अपने आप को बचा लेता है। इसका नेम क्या है, टर्टल। नेक्स्ट वन इज द वाइट फर ऑफ दिस एनिमल हेल्प्स इट मर्ज विद द स्नो ऑफ आइसी आर्कटिक। देखो ये जो एनिमल है, इसके वाइट फर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, बर्फीले आर्कटिक में अपने आप को, मतलब बर्फीले आर्कटिक की स्नो में ही क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। ठीक है,
और इस्केप द एनिमी, और अपने आप अपने एनिमी से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। मीन्स कि क्या कर लेते हैं, जब इनके एनिमीज उनके पास आने वाले होते हैं तो इनके तो वाइट फर होते ही हैं, तो ये बिल्कुल स्नो में छुप जाते हैं, तो इनको देख के ऐसे लगता है ये स्नो ही है, और अपने आप को ये बचा लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है, पोलर बियर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।